नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, ये आप बीती की सीरीज़ है जो बहुत पहले शुरू हुई थी लेकिन फिर बीच में बंद हो गई, लेकिन अब कोशिश रहेगी कि नियमित रूप से जारी रहे। और आज डबलिन की रहने वाली एक 21 साल की लड़की ने अपनी आप बीती सुनाई है। आवाज़ मेरी है लेकिन ये सारी बातें डबलिन की रहने वाली उस 21 साल की लड़की की हैं जिसको सुनकर कोई भी सिहर उठेगा। डबलिन की रहने वाली एक 21 साल की आयचा दुनिया, उनका कहना है कि उनके पिता ने उनके साथ 12 सालों तक रेप किया। वो हर रात उसके साथ सोते थे और उसका यौन शोषण करते थे। अपने ही पिता द्वारा यौन उत्पीड़न की सच्चाई आयचा ने अब जाकर बहादुरी से दुनिया के सामने रखी है। आयचा का कहना है कि उसने अपनी आपबीती इसलिए बताई ताकि दूसरी लड़कियों की मदद हो सके। 2018 में आयचा के पिता को अपनी ही बेटी के साथ बार बार बलात्कार करने के आरोप में 15 साल की जेल हुई। पिता ने यह स्वीकार किया कि उसने अपनी बेटी का यौन शोषण किया है। दोषी पिता ने जज के सामने कहा था कि वो अपनी बेटी को रात में अपना साथी मानता था। दोषी पिता को सेंट्रल क्रिमिनल कोर्ट में जनवरी 2006 से दिसंबर 2017 तक की तारीखों में बेटी के साथ रेप, यौन उत्पीड़न और 21 केसों में दोषी ठहराया गया था। वहीं जून 2016 से दिसंबर 2017 की तारीखों में अपनी बेटी को नुकसान पहुंचाने के 3 मामलों में भी दोषी ठहराया गया और फिर 2018 में 15 साल की सजा सुनाई गई। डेली स्टार से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए आयचा ने अपने उन पलों को याद किया और बताया कि मेरे पिता 3-4 साल की उम्र से ही मेरा यौन उत्पीड़न कर रहे हैं। दुर्व्यवहार की मेरी सबसे पहली याद 3 या 4 साल की उम्र से जुड़ी हुई है। मेरे लिए ये कहना बहुत मुश्किल है कि मैं कब बड़ी हुई। आप एक समय रेखा तय नहीं कर सकते। मैं एक बहुत ही हंसती खेलती बच्ची थी लेकिन उस उम्र में मेरे पिता ने जो मेरे साथ किया उसने मुझे एक चुपचाप और उदास रहने वाली लड़की बना दिया। आयचा ने कहा कि मेरे पिता ने 12 सालों तक मेरा लगातार रेप किया। मेरे 14 साल के होने के पहले मेरे पिता मेरे साथ यौन उत्पीड़न महीने और हफ्ते में मौका पाने पर करते थे, लेकिन मेरे 13-14 साल होने के बाद वो हर रात मेरे साथ यौन उत्पीड़न करते। ऐसा कभी नहीं होता था कि मैं उनके दुर्व्यवहार का शिकार ना हुई हूँ। आयचा ने यह भी बताया कि जब उसके पिता को एक बार गर्मी के मौसम में लगा कि मैं गर्भवती हो गई हूं, तो उन्होंने 1 महीने तक मेरा यौन उत्पीड़न नहीं किया। इसी बहाने मुझे थोड़ी सी राहत मिली, लेकिन जैसे ही मेरे पिता को इस बात की भनक लगी कि मैं अब प्रेग्नेंट नहीं हूं, तो उन्होंने फिर से यौन उत्पीड़न शुरू कर दिया। आपको बता दें कि कोर्ट में जज ने अपना फैसला सुनाते हुए इस बात का जिक्र किया था। आयचा ने कहा कि मेरे पिता की हैवानियत इस कदर बढ़ गई थी कि वो यौन शोषण के दौरान बहुत हिंसक हो गए थे। वो एक ऐसे बिंदु पर पहुंच गया जहां मैं लगातार इस डर में जीती थी कि मेरे पिता मुझे जान से मार डालेंगे। आयचा कहती हैं कि उनके पिता के साथ उनके संबंध बहुत मुश्किल थे। आयचा ने कहा कि मुझे नहीं पता कि मैं अपने पिता से प्यार करती हूँ या नहीं, आज भी मैं भावनाओं पर सवाल उठाती हूँ। आयचा ने कहा कि मैंने जब भी अपने पिता को इस बात की धमकी दी कि मैं सारी बातें घर के बाकी सदस्यों को बता दूंगी, तो वो मुझे धमकाते कि घर में कोई इस बात पर विश्वास नहीं करेगा। आयचा ने कहा कि उसने मेरे दिमाग में ये बात बैठा दी कि हम दोनों एक चक्कर में अपराधी हैं और अगर मैं रेप कार्ड खेलूंगी जैसा कि वो कहते थे, कोई भी विश्वास नहीं करेगा क्योंकि मेरे पास सबूत नहीं होगा। आयचा ने कहा कि मेरे पिता मुझे मेरी नानी और माँ के परिवार से दूर ले गए। मेरे नानी घर के लोग मेरी माँ और पिता के रिश्ते से खुश नहीं थे क्योंकि उनके बीच में कुछ भी नहीं था। मेरे पिता अपनी माँ के साथ नहीं सोते थे, एक ही कमरा साझा नहीं करते थे और पिता मुझे लेकर अलग कमरे में या लिविंग रूम में सोते थे। वो कहते थे कि मैं घर वालों को बोलूं कि मैं पिता के साथ शाम को बैठकर फिल्में देखना पसंद करती हूं। आयचा ने यह भी कहा कि आज उनकी जिंदगी उनके
पिता की उस जिंदगी में कोई परछाई नहीं है। आयशा आज एक बच्चे की माँ है और अपने पार्टनर के साथ रहती हैं। आयशा ने कहा कि उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके पिता अब कैसे हैं। आयशा ने कहा कि कई सालों से तो उन्होंने अपने पिता की शक्ल तक नहीं देखी और वो कभी देखना नहीं चाहती। आप बीती की ये कहानी आयशा की कहानी है जो कि हमारे देश की नहीं है, दूर डबलिन में रहती हैं, लेकिन उनकी कहानी बहुत कुछ कहती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।